अल्लाह जी वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग कैसे हैं आप सब लोग होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ देख सकते हैं आप लोग के नाश्ता ही चल रहा था नाश्ते में न मैंने जो है लंच में बनाई थी मैंने मूंग की दाल और अंडे फ्राई कर दिए थे नाश्ते में तो हमने जो है जो हमारा ब्रेकफास्ट था और जो हमारा लंच था ना तो वो मिक्स होकर ब्रंच हो गया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो फिर मैंने उठते ही साथ ना नाश्ता नहीं बनाया था तो मैंने ना दाल बना ली थी मूँग की और भुनी मसाले वाली जो होती है ना और फिर बस मैंने एग भी फ्राई किया तो हमने जो है इस तरह से इसको ब्रंच हमने कर लिया तो उसके बाद बस अब हम डिनर ही करेंगे और आप लोग सुनाएँ कि सर्दियाँ आप लोगों की कैसी गुजर रही है सर्दियों में की रूटीन क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और काम बहुत सारे हमारे रह भी जाते हैं और लोग कहते हैं कि रातें जो हैं लंबी हो जाती हैं लेकिन आजकल मुझे कोई रात लंबी नहीं लग रही है उतनी ही लगती है जितनी होती है क्योंकि ना लेट ही उठी हूँ मैं अभी भी आज भी तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने दोपहर का लंच भी तैयार किया साथ ही मैंने नाश्ता भी तैयार किया था और ये फिर मैंने एक मीठा पराठा बनाया था तो जी यहाँ पर ना मैंने बालों को अपना एक नया हेयर कट दिया है और ये मैंने डीप यू कटिंग करवाई क्योंकि बाल मेरे नीचे से ना काफ़ी रफ़ हो रहे थे तो मैंने कहा चलो एक हेयर कट कर लेती हूँ करवा लेती हूँ मैं और आगे से फिर मैंने इस तरह से साइड पफ कहेंगे इसको मैं कटवाने तो बैंक गई थी मगर फिर मैंने सोचा कि मैं इसको शायद गेरी सही से नहीं कर पाऊँगी तो मैं इस तरह से ही वाला कट करवा देती हूँ तो बस मैंने आगे से भी कट करवाया और पीछे से भी बहुत अच्छा लुक गया था डिफरेंट से लुक आ जाता है लुक चेंज हो जाती है और बालों में भी ऐसे लगता है वॉल्यूम आ गया थिकनेस आ जाती है वरना तो ऐसे लंबे झाड़ जैसे बाल हो रहे थे जिसकी कोई लुक ही नहीं थी अच्छा ये वो वो सूट है जो अम्मी ने मुझे दिया था तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ और इस सूट को मैंने जब ओपन किया ना तो उसी दौरान ही ना मेरे अंदर मेरे दिमाग के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग भी आ गई जिस जो कि मैं आपसे ब्लॉग में शेयर करूँगी तो इसको ना मैं बनाऊँगी जी अंगरखा फ्रॉक बनाऊँगी इसकी और इस पर डोरी वगैरह लगा के और जो पतली चरमा डोरी होती है और दूसरी जो गोटे वाली होती है ना गोल्डन कलर की क्योंकि इसके दुपट्टा जो है ना उस पर इस तरह से गोल्डन अच्छा इस, इस दुपट्टे को ना डायमंड दुपट्टा कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऐसे सिल्वर से ये जो दिख रहा है आपको गोल्डन ये गलीटर जैसे होते हैं मतलब चमकता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ सो बस ये इसका दुपट्टा फैंसी था तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं सूट को भी फैंसी कर दूंगी इस तरह से इसकी डिज़ाइन करके तो सूट जो है ना ये लॉन कॉटन पे है और इसका दुपट्टा भी और अच्छा शलवार और कमीज़ जो है ना एक ही सेम प्रिंट है और आजकल इस, इस तरह का बहुत चल रहा है बहुत प्यारा लगता है सिलकर भी तो जब ये स्टेज होगा जब इसकी डिज़ाइनिंग होगी तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी तो बस अभी यहाँ पर हमने जो है ना डिनर मैंने कर लिया था उसके बाद ना रात को लेट नाइट बाबा यशवा के बाबा लेकर आ गए थे बर्गर तो बस देख लें यहाँ पर सवा दो बज रहे हैं और अभी बस मैंने बर्गर खाया था फिर मैं सो गई थी तो जी ये हो गया था नेक्स्ट डे तो आजकल जो है ना दो दिन के व्लॉग्स ही आ रहे हैं मेरे एक दिन का व्लॉग नहीं होता है तो जो भी क्लिप्स मैं बना पाती हूँ ना तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ वो दो दिन के भी होते हैं समटाइम तीन दिनों के भी होते हैं तो यहाँ मैं चाय बना रही थी यहाँ मैं बना रही थी चाय और चाय में जब पत्ती ना जब थोड़ा पानी गर्म हो जाए ना तो डालूँ तो फिर बहुत अच्छा चाय का कलर आता है तो आ, सम टाइम तो मैं ऐसे ही ठंडे पानी में डाल देती हूँ पत्ती और चीनी दोनों ही लेकिन जब मैं किचन में ही होती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि चलो पहले मैं जो है थोड़ा पानी गर्म कर लूँ फिर पत्ती डालूँ तो बहुत अच्छा चाय का कलर आता है यहाँ पर बस मैं चाय ही बनाऊँगी और सर्दियों में तो बस चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल करता है और हमारे घर वैसे भी बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है लेकिन अच्छा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाय की आदत थी मगर अब जो है उन्हें कहवे की आदत हो गई है तो बस अब वो इतनी ज़्यादा चाय बनवाते नहीं और मैं अपने लिए स्पेशली चाय बनाती भी नहीं हूँ उन्हीं की वजह से मुझे चाय की भी आदत हुई थी और अब जब उन्होंने चाय पीना कम कर दिया और कहवा पीते हैं अब बस उनको जो है सुबह और शाम में चाय चाहिए होती है वरना तो उनको दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा वो चाय बनवा लेते थे और मेरी सिस्टर इनलॉ वगैरह भी हैं उनको भी चाय की वो लोग भी बहुत ज़्यादा शौकीन है तो काफ़ी जो है हमारे यहाँ चाय बनती थी लेकिन अब जो है हस्बैंड भी नहीं पीते हैं तो मैं भी नहीं पीती हूँ और मैं अपने लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए तो बस यहाँ पर चाय और इस तरह से आप डोईस के ऊपर चलाते जाएंगे ना तो चाय बहुत अच्छी पकती भी है तो ये जो है इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर बस मैंने चाय वग़ैरह निकाल ली नहीं है कप के अंदर तो बस अभी मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी ना तो किस वह आ गई थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी तो बस मैंने उसको अभी सुलाया है और अभी वो सोई ही है मैं उसके पास ही बैठी हुई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ स्लोली स्लोली तो बस अभी यहाँ पर मैंने जो है रूम में आई थी थोड़ा सा कमरा वगैरह ठीक किया मैंने उसके बाद वापस किचन में बस मेरा काम किचन कमरा किचन कमरे किचन और कमरे तक के दौड़ लगती रहती है तो जी यहाँ पर ना मैंने भिंडी बना रही थी और समटाइम समझ नहीं आता कि इंसान खाने में क्या बनाए रोज़ आना का एक ये होता है कि आज हम क्या बनाएँ अच्छा मील प्लानिंग ना बहुत अच्छी चीज़ है मगर जो है क्योंकि मेरी मदर इन लोगों से पूछ कर मैं खाना बनाती हूँ और वही सौदा वगैरह लेकर आती हैं तो मील प्लानिंग फिर मैं उस तरह से नहीं कर सकती हूँ जैसे कि मेरा दिल करता है कि मैं पूरे वीक की ना मील प्लानिंग कर लिया करूँ तो रोज़ आना ना फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज क्या पकेगा तो खैर यहाँ पर ना भिंडी बना ली थी हमने सोच बिछाड़ करने के बाद और ना फिर साथ ही साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए जो खाने के वक्त उतर रहे थे तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे थोड़े से ही थे तो हाथ के हाथ धो लो ना तो किचन साफ़ ही रहता है और जब तक कि किचन में रहो ना तो मल्टी मल्टी टास्किंग आपको होना चाहिए ताकि आपका किचन भी साफ़ रहे और आपका खाना भी डन हो जाएगा और जब आप किचन से बाहर जाए ना तो जो है बिल्कुल आप ये ना हो के पीछे क्या आपको कोई और काम भी था अच्छा साथ साथ ना यहाँ पर जो कुछ कंटेनर्स खाली हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर अभी शुगर का खाली हो गया था तो मैंने इसके अंदर रिफ़िल कर दी शुगर वापस और फिर दोबारा से सारी चीज़ें अरेंज करके कैबिनेट के अंदर रख दी हैं इतनी ही देर में देखें भिंडी भी यहाँ रेडी हो गई है बस अब जो है मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी क्योंकि इसके अंदर लेस होता है ना तो बस अगर हम उसको थोड़ा भून लेंगे ना तो वो लेस ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर दूसरी दफ़ा देखें अब चाय बन रही है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग आ गई थी मेरी स्टैंड लो जो हैं वो हमारे घर के करीब ही रहती हैं तो वो आ गई थी तो बस मैं यहाँ उनके लिए अब चाय बना रही थी और इतने में ही भिंडी भी पक गई थी और ये हमारा चूल्हा ना एक साइड से पता नहीं क्यों इतनी गैस उसकी नहीं, मतलब आग देता है और दूसरे साइड पे कम आग होती है तो देखें एक तरफ से ये जो है पतीली इस तरह से हो गई है ऐसा लग रहा है कि जल गई है मगर जला तो कुछ भी नहीं था तो बस खाना निकाले या मैंने और यहाँ ना भिंडी की ओ सॉरी भिंडी कीमा नहीं लोबे कीमा एक, एक दिन पहले मैंने बनाया था मेरी मदार उन्होंने बनाया था ये तो बस उन्होंने बना लिया था तो बस ये भी निकाल लिया और साथ में भिंडी भी निकाली और अब बस हम यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे हैं उसके बाद जी दोपहर में ये बना लिया था मैंने और उसके बाद ना रात को फिर फ़िश ले ली थी मदर इन लोगों ने तो बस फ़िश बनाऊंगी मैं और हमारे घर ना फ़िश का कोई सालन पसंद करता नहीं है ज़्यादा खाना फ्राई ज़्यादा जो है ये लोग प्रेफ़र करते हैं कि फ़्राई फ़िश बन जाए तो बस हालांकि मुझे दिल करता है कभी कभी कि मैं फ़िश करी बना लूँ या फ़िश का सालन जो शोरबे वाला होता है बहुत मज़े का लगता है वो बना लूँ अच्छा मेरे मदर इन लोगों मेरा दिल करता है सिर्फ़ यहाँ और किसी का नहीं दिल करता सब का दिल फ्राई का ही करता है तो पैसा फिर हम फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बना ली थी चटनी लहसुन की जो कि ये बनती है लहसुन से और इसमें डलती है जी कुटी लाल मिर्च नमक और इमली इमली का पल डलता है तो बस ये इस तरह से ना चटनी बनती है हमारे घर ना मोस्टली यही चटनी बनती है मछली के साथ और कोई चटनी नहीं बनती इसके अलावा तो ये चटनी ना मुझे पहले आती नहीं थी बनानी और अभी भी मैं कभी कभी ना उस तरह से नहीं बना पाती हूँ जिस तरह से मेरी मदर लोग बनाती है क्योंकि ये चटनी में हमारे ससुराल में ही बनती है सिर्फ मेरे मैके में, में भी नहीं बनती तो बस यहाँ पर फ्राई कर लिया बस खाना वगैरह खाएंगे खाना खा लेंगे खाना खाने के बाद ना यशवा का हो रहा था कि बाबा मुझे जंपिंग वगैरह पे ले जाएँ राइड्स वगैरह करवाएँ तो बस हम इसको करीबी घर के ले गए थे करें जी बेटा कर कर गरीब ही घर के ले गए थे और बस थोड़ा सा घुमा फिर आ दिया था और बस हमने एक आगे थोड़ा सा गए फिर हम हस्बैंड ने कहा कि कुछ खाना है तो खाना तो खा के गए थे पेट बिल्कुल फिल था तो मैंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं खाना है तो बस हमने जो है एक जगह से ये हमारी तरफ़ ढाई नंबर पर ही है कोरंगी ढाई पर कल्लू चौक एक जगह है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जा, चीज़ें होती हैं पूरी स्ट्रीट है यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की फ़ास्ट फूड से ले आप चाहे कुछ भी ले लो यहाँ पर ना तो बस मैंने यहाँ से फालूदा ले लिया था हस्बैंड ने बस फालूदा ले लिया था हमने और बस ये खा के फिर हम अपने चट्टा की तरफ चले गए थे फिर वापसी में जो है ना हस्बैंड ने मदर इन लॉ के लिए यहाँ पर ही ना यहीं कल्लू चौक पर ही था ये एलोवेरा एंड ड्राई फ्रूट का जूस होता है इनके पास जो कि बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में पेन वगैरह होता है तो हम लोग अक्सर उनके लिए यहाँ से ले लेते ले हैं तो बस ये था आज का लोग मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉक में अलाफे